है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग को मेला लेके जाने वाला हूँ। मेला और हम लोग का इधर मेला लगा हुआ है छठ पूजा का उपलक्ष्य पे, जो कि काली पूजा से मेला लगा हुआ है। तो मैं आप लोग को मेला लेके चलूँगा। चलिए घर चल के चलते हैं मेला। ठीक है गाइस, मिलते हैं मेला के पास। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो किस तरह सजाया गया है छठ पूजा पर। और आगे आप लोग को ले चलते हैं मेला की तरफ, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हम लोग का मेन गेट सर्कस का, यहीं सर्कस हो रहा है और मैं मेले पर पहुंच चुका हूं। आप लोग देख सकते हो ये मेन गेट है, और इधर सामने में गाड़ी यहां पर लगाया गया है, और इधर कुछ कारें हैं, जो कि अभी मैं जल्दी आ गया हूँ ना, इसीलिए यहाँ पर जो है उतना भीड़ नहीं है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी उसी तरह स्टार्ट हो गई। ये सेकंड क्लास देखिए 60 रुपया, इधर भी सेकंड क्लास 60 रुपया। 60 रुपया ओनली टिकट का दाम है, और फर्स्ट क्लास का तो यहाँ लिस्ट टांगा हुआ नहीं है। फर्स्ट क्लास 120 रुपया लेते हैं और सेकंड क्लास 60 रुपया। आप लोग देख सकते हो यही सर्कस का मेन द्वार है, और मैं आप लोगों को आके दिखाऊँगा कि और क्या क्या अंदर में है। तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो स्टार्ट होने दीजिए, तब तक मैं मेले तरफ से आप लोग को घुमा के लाता हूँ, फिर मैं आता हूँ। ये देखिए ये चेयर है लकड़ी से बना हुआ, ये इधर से हम आए थे। और ये देखिए सामने में काली माँ का प्रतिमा, ये देख सकते हो आप लोग। काली पूजा जिस दिन से हुआ था ना, उसी दिन से मेला लगा हुआ है और अभी तक लगा हुआ है। देख सकते हो इधर उतना भीड़ है नहीं, क्योंकि मैं जल्दी आया था मेले पर। देख सकते हो इधर हम लोग का छोटा मोटा मेला। आप लोग कैसा लगेगा इस मेला में पता नहीं, फिर भी मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाऊं। देख सकते हो इधर भी दुकान, इधर भी दुकान, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए इधर कितने सारे दुकान लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बारीकी से दिखाऊंगा, और मैं अकेला आया हूँ ना, इसीलिए मैं उतना कुछ तो दिखा नहीं पाऊँगा। मैं ही कैमरा कर रहा हूँ और मैं ही जो हूँ कि मेला आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर मेला लगा हुआ है, और हमारे जस्ट पीछे जो आप लोग देख सकते हो ये सब, ये देखिए यहाँ सामने में गुब्बारा जो फोड़ते हैं ना पटाखा से, ये देखिए तारा मच्छी झूलना, जो जिसे हम लोग तारा मच्छी कहते हैं, वो भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि मैं जल्दी आया था मेले में। और मेला जो है हम लोग का 7 बजे से स्टार्ट होता है रात 11 बजे तक, और मैं जल्दी आया था इसलिए उतना भीड़ है नहीं। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं अभी। इधर खाना फिर आप लोग खा सकते हो, इधर चाउमीन एक रोल जो भी चाइनीज आइटम। और इधर देखिए इधर चाट वगैरह पीछे, इधर बहुत सारे बच्चे लोग का एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं। और इधर गुब्बारा जो कि आप लोग गन से फोड़ सकते हो। इधर झालमुड़ी दुकान, इधर देखिए बाल्टी मिल रहा है। और ये सामने तारामाची धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो आप लोग। मैं जल्दी आ गया था इसलिए उतना भीड़ है नहीं। जैसे जैसे शाम से रात होते जाएगी वैसे वैसे भीड़ आते जाएगी, देख सकते हो। और मेरा पीछे जस्ट झूलना है, झूला घूम रहा होगा आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए इधर धीरे धीरे सब आ रहे हैं, मैं जल्दी आ गया था। ये देखिए, ये देखिए झूलना अभी शुरू हुआ है। हमारे यहाँ क्या होता है ना गाइस, कि शाम होते ही मेला आरंभ होती है, तो 7 बजे से रात 10, 11, 12 कभी कभी 1 भी बजती है। मतलब शाम को ही ज़्यादातर लोग घूमते हैं हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में। आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो मैं अच्छे से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, और आप लोगों को ठीक से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हम लोग का यहाँ का मेला दिखा पाएँ।
इधर कप प्लेट दुकान, इधर देखिए बहुत सारे इधर भी दुकान है। इधर फ्लावर तीन भागों में चार भागों में दुकान पाटा गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये चीज़ मुझे लेने का मन था, लेकिन मैं कैमरा कर रहा था ना, मैं ले नहीं पाया। ये देखिए इधर भी है, देखिए इधर जो भी आइटम खा सकते हो देख के, तो मन ललचाए रहा ना जाए बोलते हैं ना। देखिए इसमें बैठ के आप लोग खा सकते हो। आइए फ्रेंड्स आगे ले चलते हैं आप लोगों को। इधर आप लोग चटपटा चीज़ खा सकते हो। यही हमारा छोटा मोटा मेला, जो कि मैं आप लोगों को आई होप कि अच्छे से दिखा पाया हूँगा। यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस चटपटा है, और यहाँ बच्चे लोग का खेलने का कुछ बनाया गया है, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना, तो इसलिए बच्चे लोग के लिए पानी वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया है, जो कि आप लोग उसमें बोट चला पा रहे हैं। वो देख रहे बच्चे लोग बोट चला रहे हैं, काफ़ी सुंदर लगा मुझे यहाँ पर। और जस्ट इसी के पीछे आप लोग देख सकते हो वो झूला झूल रहा है। मेरा पीछे देख सकते हो। आइए आप लोग आगे ले चलते हैं। जस्ट मेरे बगल में एक रिंग का दुकान है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। और मैं वॉइस इसलिए मैं साउंड बंद कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाए, इसलिए मैं सोचा कि वॉइस बंद करके मैं अलग से इसे रिकॉर्ड कर पाऊँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।